हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम इस Q&A सेशन में बात करेंगे क्वेरी के बारे में। जो क्वेरी है वो कुछ इस तरह है कि मेरे पास ड्रग लाइसेंस है और मैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहता हूं, लेकिन जो मैं एड्रेस है वो या तो मैं गुजरात का दिखाना चाहता हूं, हिमाचल का दिखाना चाहता हूं, या मुंबई या दूसरी मेट्रो सिटी का दिखाना चाहता हूं। क्योंकि क्या है कि एक अच्छी सिटी का, अगर एक अच्छे लोकेशन का एड्रेस मार्केटेड बाय एड्रेस अगर प्रोडक्ट पे होगा तो कंपनी ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है मार्केट में, तो वो कैसे कर सकता हूँ, इसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की, आपको बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिल जाएगी, मोस्टली कंपनीज और स्मॉल लेवल पे, तो जो छोटी कंपनीज हैं उनमें तो ज्यादातर 90% से ज्यादा कंपनियां आपको ऐसी मिल जाएगी जो उनका ड्रग लाइसेंस होता है वो एड्रेस ना दिखा के वो मार्केट बाय पे कहीं बाहर का एड्रेस दिखाती है। ये एड्रेस दिखाने के लिए बेसिकली या तो उनका वहां पे कोई ऑफिस वो सेटअप करते हैं मे बी रेंट बेसिस पे या वो, लेकिन वहां पे उनका ड्रग लाइसेंस नहीं होता और उसको वो एज एडमिन ऑफिस या सेल्स ऑफिस की तरह दिखाते हैं। लेकिन जो नया ड्राफ्ट आया है जिसके तहत अभी जो मार्केटिंग कंपनी है वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जितनी मैनुफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो उसके बाद ये थोड़ा सा बदल सकता है। अभी अप्रैल से इम्प्लीमेंट होना है वो ड्राफ्ट, तो उसके बाद के बीच में कोई ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि अगर हमें मार्केटिंग कंपनी को कंट्रोल करना है, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, उनको उसके रिलायबल बनाना है, लाइबल बनाना है कि क्वालिटी में मार्केटिंग कंपनी का कंट्रोल है, तो जो उनके प्रोडक्ट पे एड्रेस है वो भी वही एड्रेस होना चाहिए जहां पे उनका ड्रग लाइसेंस हो। तो अभी तक वो बिल्कुल ईजिली चल रहा था ये सब कुछ, जितनी भी कंपनियां थी वो उनके पास ड्रग लाइसेंस कहीं और का होता था, वो मार्केटेड बाय कहीं और का दिखाते थे किसी बड़ी सिटी का, वो वहां पे मार्केटेड बाय दिखा के काम चला रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। जो मेन एथिकल वे है अभी भी चल रहा है, मे भी चले आगे, हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह बंद हो जाएगी ये प्रैक्टिस। हो सकता है कि ड्रग डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन ना हो इस चीज में कि आप मार्केटेड बाय कहीं पे दिखा रहे हो और लाइसेंस है वो कहीं और का दिखा रहे हैं, हो सकता है कि वो अभी प्रैक्टिस आगे भी वही चलती रहे। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आपको ये सब कुछ करना है, आपको मार्केटेड बाय किसी बड़ी सिटी का दिखाना है और आप बिल्कुल प्रॉपर उसको एथिकली दिखाना चाहते हैं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो एक तो आपके पास उस मेट्रो सिटी में आपका कोई ना कोई आपका सेल्स ऑफिस होना चाहिए, चाहे रेंट बेसिस पे हो चाहे किसी भी तरह हो, आप उसको एज एडमिन ऑफिस या सेल्स ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस उस तरह दिखा सकते हो। मोर एथिकल वे में अगर आप जाना चाहते हो तो जो ड्रग लाइसेंस पे आपका पता है मार्केटेड बाय आपकी जो कंपनी का नाम है उसके नीचे आप चाहे उसको स्मॉल फॉन्ट में दिखाए वो दिखा के, और नीचे जो एडमिन ऑफिस है या कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें आप उस बड़ी मेट्रो सिटी का एड्रेस डाल सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। फार्मास्यूटिकल हमेशा से रेगुलेटेड सेक्टर रहा है, लेकिन आराम से जो भी रेगुलेशन है जो भी एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होता जा रहा है, वो स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी केयरफुल रहने की जरूरत है वहाँ पे। हो सकता है कि वो अभी कुछ सालों तक ऐसा ही चले कि मार्केटेड बाय लोग कहीं और का दिखाते रहे और जो उनके पास ड्रग लाइसेंस है वो कहीं और का हो, लेकिन फिर भी अगर आप प्योरली सिक्योर चलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।